बाद में बड़ा बोल्ड फैसला लिया कि पार्टी में ऐसा शख्स शामिल हो गया जिसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, वो फारूक पंजाल का क्या इशू बना? देखिए, हमें तो पता चला कि फारूक पंजाल नून लीग में कई सालों से थे, तो वो नून लीग से जब हमारे पास आए तो एकदम शोर मच गया। मैं सब वाज़ आपके सामने एक बात करना चाहूँ, मैं तो इसको एक बड़ी खुशाइन चीज़ समझता हूँ कि जो नून लीग के अंदर मेयार है अखलाकियात का, वहाँ इस तरह के लोग सालों से थे, जब तहरीके इंसाफ में आए तो शोर मच गया उनके माजी के ऊपर और हमने फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया। मैं तो एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज जो सोशल मीडिया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी दुनिया की तारीख में ऐसी चीज़ नहीं थी कि इतनी तेज़ इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है। यही कदम हम पहले उठाते पुराने ज़माने में तो कई पता नहीं कई महीनों के बाद पता चल रहा था, आज सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि घंटों के अंदर इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है और आपके सामने वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जो उस वक्त जब आप कदम उठा रहे होते हैं आपको उसका इल्म नहीं होता। तो मैं इसको एक एजाज़ समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने जिस तरह उस इशू को उठाया और उन्होंने नहीं उठाया जब ये नून लीग में थे, इसका मतलब एक मेयार है तहरीक इंसाफ पे, मुझे खुशी है और इसलिए हमने उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में इतवाल का मामला अदालत में है तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन बर्बाद होंगे? क्या तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत करती है और क्या इकमाद करेंगे जो इलेक्शन होंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ जाती है इलेक्शन वक्त पे, लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर एक इशू है और ये समझने वाली बात है। परवेज खटक ने क्यों खत लिखा इलेक्शन कमीशन, ये इशू समझे कि उनको पख्तूनख्वा को क्या इशू आने वाला है। इलेक्शन हो गया, पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन गई, चंद महीने के बाद फाटा का इलेक्शन हो गया, फाटा से 17 से 19 MPs आ गए अंदर असम्बली में। अब मेजॉरिटी अगर 5-6 जिस तरह हमारी 5 या 6 की मेजॉरिटी थी, चलो 10 की मेजॉरिटी हो, 17 नए मेंबर आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती है। उनका एक जेन्युइन मसला है कि आधी जैसी गवर्नमेंट बनेगी उसके चंद महीने के बाद नए MPs अंदर आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है, वो उनको ये खदशा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी, अगर उसी वक्त नहीं हो सकता तो 1-2 दिन के बाद हो जाए ताकि जब गवर्नमेंट बने, एक ही दफ़ा गवर्नमेंट बने, जब एकदम नए लोग आए वहाँ से पाटा से, तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज ना हो, उनका ये खदशा है, उन्होंने ये जाहिर किया। लेकिन इलेक्शन हम समझते हैं कि टाइम पे होने चाहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल पाकी लिंक्स न्यूज, ऑल्सो शेयर एंड लाइक द वीडियो।